हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन क्लासेस माय नेम इज नीतू आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे उनतीस के बारे में ठीक है आप सभी को पता है कि डीएसएसबी का थर्टी डेज क्रैश कोर्स चल रहा है और इसी के साथ आपका थर्टी डेज क्रैश कोर्स होता है कंप्लीट डे थर्टी के अंदर हम आपके डाउट्स लेंगे जिस बच्चे के जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में जिस क्वेश्चन में डाउट है वे झिझक जो है वो आराम से पूछ सकता है अदरवाइज अगर किसी के पास क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन की पी वगैरह बताना चाहता है भेजना चाहता है उनमें से कुछ समझना चाहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आप भेजिए वहां से जो है मैं आपको वहां पे आप भेज सकते हैं फिर जो है मैं वहां से आपके क्वेश्चंस लेके आपको समझा दूंगी ठीक है तो कोई भी आपको वो नहीं करना है कि भाई ऐसा नहीं ये नहीं वो नहीं ठीक है तो आपको जो है आराम से आ, अपने डाउट्स देने हैं ताकि अभी तक आपने जितना पढ़ा है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं ताकि अभी हम जब मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप जो है साथ के साथ प्रैक्टिस करती रहें और अभी जो है आपका डी एस एस बी पी जी टी का एग्जाम जो है वो ग्यारह जुलाई को है और उससे पहले जो है हमें एटलीस्ट दस से बारह जो है आपके मॉक टेस्ट करने हैं ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ जो है स्टैंड कर रहे हो क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाओगे कि आप, आपका जो लेवल है वो क्या है उसके साथ ही डे अट्ठाइस के दिन जो है मैंने जो है तीस uh, क्वेश्चंस पूछे थे तीस क्वेश्चंस में किसी बच्चे ने कुछ नहीं बताया किसी बच्चे ने कुछ नहीं बताया यानी कि बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने रिप्लाई किया है कि हमारे इतने मार्क्स आए क्यों भाई डर रहे हो क्या अगर कम भी मार्क्स आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कौन सा आपका एग्जाम हो रहा है यहाँ पे कौन सी आपकी कट ऑफ जा रही है ऐसा कुछ नहीं है ये जो टेस्ट होते हैं ये सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि आप एग्जाम में ऐसी गलती ना कर सको ठीक है तो बीजेग आपको जैसा आता है आप अपनी प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चन लगा के देखो क्योंकि जब जितना आप प्रैक्टिस करोगे जितने आप क्वेश्चन लगाओगे उतने आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है अदरवाइज एग्जाम में आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पर लाई करते हो ठीक है ओके okay, बहुत ज्यादा हो गया ठीक है तो फटाफट फड़ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई क्योंकि मैं खुद नहीं पब समझ पाती जब बोलती हूँ तो स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाती हूँ ठीक है तो इसलिए आप लोगों का वेस्ट हो रहा है टाइम तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है फटाफट अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट थर्टी वन क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अनेबल्स यू यू मेक मेक टू टू चेंज मल्टीपल चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंटेड वंस मतलब क्या कौन सी कमांड यूज करोगे फाइंड कमांड रिप्लेस कॉपी कमांड, कमांड क्या करोगे? जो है, है, है मार्किंग क्योंकि साथ ही साथ मैं आंसर बताने वाली हूं तो यहाँ पर जो आप कमांड यूज करोगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिप्लेस कमांड ओके इसी के साथ थर्टी टू क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन कौन सा जो है बेस्ट है क्विक है कॉपी ऑपरेशन के लिए कॉपी एंड पेस्ट विंडो क्लिप और ड्रैग ड्रॉप या ऑटो टेक्स्ट क्या होगा भाई यहाँ पर बेस्ट पूछा है कॉपी के लिए तो हम इसके लिए यूज करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा इसी के साथ थर्टी थ्री क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर क्विक कॉपी ऑपरेशन कौन सा जो है कॉपी ऑपरेशन के लिए जो है बहुत क्विक है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया एक सेकेंड भाई सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आंसर अगेन क्या होगा भाई आई होप आपने मार्किंग कर ली होगी इसका आंसर भी क्या होगा सी ऑप्शन तो एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पर तो आप लोगों को खुशी हो जानी चाहिए क्योंकि जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत लड़ते थे भाई मैं मैंने तो बहुत लड़ाई की हुई है आप लोगों का पता नहीं कि आपने भी किया होगा कि उसका उसका आधा नंबर कैसे फालतू आ गया हमारा आधा नंबर क्यों नहीं आया सर के पास जबरदस्ती दूसरे का नंबर भी कटवाने के लिए लेके जाते थे अरे सेम क्वेश्चन में इसको इतने मार्क्स दे दिए ये मुझे इतने नहीं दिए ये नहीं किया वो नहीं किया तो ये सब बचपन में सभी ने की होगी तो वही आपको अभी कम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू करना है क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम में आधे आधे नंबर का पॉइंट का एक एक मार्क्स का बहुत ज्यादा मैटर करते हैं तो इसलिए वही है आपको वही लड़ाई कर करके अपने लिए एक एक नंबर जुटाना है और अपने एग्जाम को करेक्ट करना और एक अच्छी खास जॉब लेनी है ओके okay भाई बहुत बातें हो गई है ना थर्टी फोर क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन मूव टेक्स्ट फ्रॉम क्लिप बोर्ड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट को आप जो है मूव uh, करवा रहे हो कॉपी करेंगे तो क्या टेक्स्ट मूव होगा पेस्ट uh, करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप या कट तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पेस्ट ठीक है क्या होगा पेस्ट ओके okay. 35 क्वेश्चन देखो टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहाँ से सेलेक्ट करते हो बे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ए uh, ऑप्शन बोल रहा है क्लिक द ग्रुप बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार डबल क्लिक एनीवेयर विद इन द ग्रुप टू बी सिलेक्टेड ड्रैग द माउस पॉइंटर थ्रू द करेक्टर टू बी सिलेक्टेड राइट क्लिक द फर्स्ट एंड लास्ट करेक्टर ऑफ द ग्रुप टू बी सिलेक्टेड तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी कि ड्रैग करोगे आप माउस पॉइंटर को थ्रू द करेक्टर टू बी सिलेक्टेड ठीक है इसी के साथ पांच क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट कितने मार्क्स आ गए क्वेश्चन और हाँ वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई कमेंट करके अपने आंसर्स जरूर बता दिया करो वीडियो कैसी लगी वो भी बता सकते हो ठीक है क्योंकि उससे मुझे काफ़ी खुशी होती है और साथ के साथ जो है आपने अगर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो कर दो भाई क्योंकि सिक्सटी परसेंट बच्चे ऐसे हैं नॉन सब्सक्राइब्ड बच्चे जो चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते सिर्फ सिर्फ फोर्टी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ सब्सक्राइब जिन्होंने जो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और जो वीडियो को देख भी रहे हैं और कमेंट भी करते हैं ठीक है लेकिन ये जो सिक्सटी परसेंट वाली कैटेगरी है ना ये समझ नहीं आई भी अगर आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ओके थर्टी सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑन विच टूल बार फॉर्मेट पेंटर टूल जो है वो कहां पर होगा कौन सी टूल बार में होगा स्टैंडर्ड में फॉर्मेटिंग में ड्रॉइंग में या पिक्चर में तो ये होगा आपका स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर कहाँ होगा स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर थर्टी सेवन क्वेश्चन वट मस्ट बी यूज टू कंट्रोल द लेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहां पर करवाते हैं बिलियरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग में पिक्चर में ड्राइंग में या फिर इमेज टूल बार में तो ये करवाते हैं ड्राइंग टूल बार के अंदर तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसी के साथ थर्टी एट क्वेश्चन वेयर कैन यू फाइंड द ड्रॉ टेबल टूल बटन ठीक है कहां से फाइंड आउट करते हो स्टैंडर्ड टूल बार फॉर्मेटिंग टूल बार ड्रॉइंग टूल बार टेबल्स एंड फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होगा भाई इसका आंसर इसका आंसर होगा डी ऑप्शन टेबल एंड फॉर्मेटिंग

फॉलोइ इज ग्राफिक सोल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर का जो ग्राफिक सोल्यूशन है वो क्या होगा क्लिप बोर्ड क्लिप बार वर्ड आर्ट रॉप कैप या ऑल ऑफ दही होगा ठीक है इसी के साथ आपके दस क्वेश्चन होते हैं खत्म आई होब आपके दस में से आपको पता चल जाने मार्क्स है अब फोर्टी वन क्वेश्चन को देखो फोर्टी वन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द मर्ज प्रोसेस कौन सी मर्ज नहीं कर सकते सॉर्ट एंड डेटा सोर्स रिकॉर्ड फॉर्मेट द मेन डॉक्यूमेंट एडिट द डेटा सोर्स मर्ज द टू फाइल्स टू प्रिंटर प्रिंट और क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा ए ऑप्शन शॉर्ट द डेटा सोर्स रिकॉर्ड ठीक है ओके फोर्टी क्वेश्चन देखो वट शुड वट शुड यू डू वेन यू वॉन्ट टू अपडेट द डेटा इज एन एम्बेडेड वर्कशीट रेंज क्या होगा डबल क्लिक करोगे वर्कशीट पर रेंज ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट एंड चूज फॉर्मेट ऑब्जेक्ट एडिट द डेटा इन द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट एडिट द डेटा इन द सोर्स डॉक्यूमेंट तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एडिट द डेटा इन सोर्स डॉक्यूमेंट ठीक है इसी के साथ एक सेकेंड भी एक सेकेंड एक सेकेंड फोर्टी टू का आंसर भाई डी नहीं होगा सॉरी डी नहीं होगा यहाँ पे यहाँ पे बोला है वन टू अपडेट द डेटा इज एन एम्बेडेड वर्कशीट तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन डबल क्लिक करोगे वर्कशीट रेंज ऑब्जेक्ट पे तो आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन अपडेट करना है ना सिर्फ आपको हम ये एडिट वेडिट नहीं करवाएंगे ओके okay, 43 क्वेश्चन देखो विच कमांड इज यूज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन अ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अ डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट कौन सी कमांड जो है वो आप यूज करोगे एस्टेब्लिश करने के लिए सोर्स और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट के बीच में टूल एंड लिंक डॉक्यूमेंट टूल लिंक एडिट लिंक या एडिट पेस्ट स्पेशल तो यहाँ पर जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे भाई एडिड पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा फोर्टी फोर क्वेश्चन देखो टू सेलेक्ट ए मल्टीपल सेल्स मल्टीपल सेल सेल क्या होती है आपका रो और कॉलम है ये क्या है रो और कॉलम ये जो है आपका क्या होता है एक तरीके का सेल भी आपके ठीक है सेल हो गया रो हो गया कॉलम हो गया टेबल दट आर नॉट एडजस्ट टू वन अनादर सेक्ट द फर्स्ट सेल एंडल्ड डाउन द डैश की वाइज सेलेक्टिंग द नेक्स्ट सेल रो और कॉलम तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा भाई ऑल्ट का यूज करोगे शिफ्ट का एंटर का या कंट्रोल का तो यहां पर हम यूज करेंगे कंट्रोल डी ऑप्शन सही होगा इसी के साथ एक सेकेंड भाई हमने कितने कर लिए हाँ ये हो गया नहीं। ये भी नहीं हुआ हाँ जी जी क्वेश्चन 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 तक कर लिया 45 देखो में हाँ बोल रहा है डैश वॉज प्रेस्ड तो क्या होगा टैब की टैब की को प्रेस करोगे स्पेस बार को प्रेस करोगे या फिर एंटर की को या फिर शिफ्ट की को तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका स्पेस बार का देखो, क्या होगा? या इसके लिए आप करोगे भाई आपका सही होगा फोर्टी सेवन क्वेश्चन देखो विच की स्टॉक इज यूज फॉर अपडेटिंग अ फील्ड क्या यूज करोगे फील्ड को आप अपडेट कर रहे हो फील्ड को अपडेट कर रहे हो करोगे? का, F9 का, F11 का या किसकेलेवन का तो इसके लिए हम यूज करेंगे भाई आपका F11, तो यहाँ पे आपका नेम स्टार्टेड ऑटो टेक्स्ट एंट्री तो फोर्टी एट का आंसर होगा एफ वन का यूज करेंगे F2 का, F3 का या, F4 का? तो हम यूज करेंगे एफ टू का किसका यूज करेंगे एफ सॉरी so, पे जो है प्रेस करवा रहे हैं कि इंस्ट्रक्ट वर्ड रिप्लेस एंड नोटो तो यहाँ पे हम यूज करेंगे F3 का इसका यूज़ करेंगे ठीक है क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिव द स्पेलर तो फंक्शन की एक्टिव है तो उसके लिए स्पेलर के लिए स्पेलिंग चेकिंग के लिए स्पेलिंग चेकिंग के लिए हमने किया था तो स्पेलिंग चेकिंग के लिए आप यूज करते हो एफ सेवन का इसी के साथ फिफ्टी क्वेश्चन विच विच स्पेसिफाई द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इफ द सेम फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड इन मोर देन वन लोकेशन क्या यूज करोगे ऑटो टेक्स्ट फॉन्टर फॉर्मेट पेंटर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या नन ऑफ द बुक्स तो यहाँ पर जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे भाई फॉन्ट फॉर्मेट पेंटर का तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसी के साथ आपके ट्वेंटी क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट आई होप आपने ट्वेंटी में से अपने मार्किंग कर ली होगी किसके कितने मार्क्स आए हैं ठीक है 51 क्वेश्चन देखो 51 में क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफाइज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इफ द सेम फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड इन रिक्वायर्ड इन मोर देन वन लोकेशन ठीक है तो मोर देन वन लोकेशन सेम क्वेश्चन आ गया भाई एक सेकेंड हां जी सेम क्वेश्चन है आपका तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर तो बी आंसर जो है आपका सही होगा ठीक है फिफ्टी टू क्वेश्चन देखो फिफ्टी टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देयर कैन बी वेज टू इंसर्ट अ पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलो लेट्स यू इंसर्ट पेज नंबर तो क्या यूज करोगे पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट पेज सेटअप फ्रॉम फाइल मेन्यू फुट नोट फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू बॉथ एंड सी तो यहाँ पर जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे भाई पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ठीक है फिफ्टी थ्री क्वेश्चन द एमएल स्पेसिफाई दैट्रिप्ट एक सेकेंड हूँ क्वेश्चन को थोड़ा हाँ जी अब देखो एम एल ए स्टाइल स्पेसिफाई दैट सुपर स्क्रिप्ट बी यूज ऑन नॉट रेफरेंस मार्क टू सिग्नल एंड एक्सप्लेनिंग नोट एक्सिस्ट आई दर एट द बटन ऑफ द पेज फुट नोट और एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट फुट नोट एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट एज एन एंड नोट फुट नोट और द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एज एन एंड नोट तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन ठीक है option, इसी के साथ क्वेश्चन देखो इफ यू नीड टू चेंज द फेस ऑफ एन डॉक्यूमेंट विच मैन्यू विल यू चूज कौन सा मैन्यू आप चूज करेंगे एडिट व्यू फॉर्मेट या टूल तो इसके लिए जो हम चूज करेंगे वो यूज करेंगे भाई फॉर्मेट का किसका यूज करेंगे फॉर्मेट किसका यूज करेंगे भाई फॉर्मेट ठीक है इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल दो इज इट इज नॉट शोन इन नॉर्मल व्यू व्यू इज अडर क्लिक ऑन क्लिक डैश ऑन मेन्यू हेडर एंड फूटर आर हेडर और फूटर क्या हो जाएंगे आपके व्यू एडिट फॉर्मेट या टूल तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन दैट इज व्यू क्या होगा भाई ए फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन देखो टू चेंज मार्जर मार्जिन सेटिंग क्लिक डैश ऑन द मेन्यू बार एंड पॉइंट टू द पेज सेटअप कमांड तो इसके लिए हम यूज करेंगे फाइल का एडिट का फॉर्मेट का टूल का किसका यूज करेंगे 56 क्वेश्चन में किसका क्या आंसर आएगा भाई ए ऑप्शन फाइल हम किसका यूज करेंगे फाइल ठीक है 57 क्वेश्चन देखो विच मेनू इज एमएस वर्ड कैन बी यूज्ड टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइम टाइप फेस ठीक है तो इसके लिए हम यूज करेंगे भाई तो 57 का आंसर होगा भाई बी ऑप्शन दैट इज टूल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58 क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच मेन्यू हां जी 59 क्वेश्चन देखो व्हाट इज टूल इन द वर्ड दैट कॉपीज ऑन फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट सो दैट यू कैन ऐप अदर टेक्स्ट तो हम किसका यूज करेंगे भाई कॉपी का पेस्ट का फॉर्मेट पेंटर का या पेस्ट स्पेशल का तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा भाई वो सी ऑप्शन होगा ठीक है इसी के साथ 60 क्वेश्चन देखो 60 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है टू सेलेक्ट अप्लाई टू प्री डिफाइंड फॉर्मेट टू वर्ड टू थाउजेंड सेवन टेबल तो टेबल स्टाइल टेबल फॉर्मेट फॉर्मेट स्टाइल या नन ऑफ द अब तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा भाई ए ऑप्शन ठीक है इसी के साथ आपके ट्वेंटी सॉरी थर्टी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई ठीक है सिक्सटी वन क्वेश्चन देखो सिक्सटी वन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डैश आर टाइप ऑफ विजार्ड इन टेम्पलेट एंड रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स तो क्या होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड कंटेम्प्रेरी एंड सॉब्सकेटेड प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी एंड एलिगेंट फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इन ग्राफिक बेसिक कम्प्रीहेंसिंग कम्प्रीहेंसिव एंड फॉर्मेटेड तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा बी ऑप्शन दैट इज प्रोफेशनल कंटेम्परी एंड एलिगेंट तो बी ऑप्शन आपका सही है इसके साथ क्वेश्चन देखो चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मतलब उसको डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे प्रूफिंग कहेंगे एडिटिंग कहेंगे फॉर्मेटिंग कहेंगे या ऑल ऑफ दीज कहेंगे ठीक है तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग करना तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक है इसी के साथ सिक्सटी थ्री क्वेश्चन देखो विच लैंग्वेज डज एम एस वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज मैक्रोज क्रिएट करने के लिए जो है हम कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं विजुअल सी प्लस प्लस विजुअल बेसिक फॉक्स प्रो या एस एस तो हम इसके लिए यूज करेंगे भाई विजुअल बेसिक का तो आपका आंसर हो जाएगा भाई बी ठीक है सिक्सटी फोर क्वेश्चन देखो वर्ड स्टोर ऑल फ्रेम्स एसोसिएटेड विद डैट वेब पेज इज सिंगल फाइल ऑल फाइल कॉल्ड द फाइल को हम क्या कहेंगे भाई सिंगल फाइल है उसको आप क्या कहोगे ऑटो ऑटो बफरिंग पेज टेक्स्ट पेज फ्रेम पेज या फिर हाइपरलिंक तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक है सिक्सटी फाइव क्वेश्चन पर चलो भाई सिक्सटी फाइव क्वेश्चन में चलें तो सिक्सटी फाइव क्वेश्चन क्या कह रहा है यू विस्टेड टू सेट जस्टिफाई टेक्स्ट ओवर द हाइट पेपर विच ऑप्शन विल यू चूज पेपर सेटअप तो आपने पेपर को सेट किया फाइल मेन्यू में पैराग्राफ और फाइल मैन फॉर्मेट मेन्यू फॉर फॉर्मेटिंग टूल बार आपने फॉर्मेटिंग की कहाँ टूल बार में फॉन्ट द फ्रॉम फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई आप क्या करोगे पेज को सेट करोगे और कहां पर फाइल मेन्यू के अंदर तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन ठीक है 66 क्वेश्चन देखो इफ यू नीड टू हाइड सम पैराग्राफ अगर आपको कुछ जरूरत है पैराग्राफ को हाइड करने की ठीक है तो हाउ कैन यू डू इट तो आप कैसे जो है पैराग्राफ को हाइड करोगे फ्रॉम पैराग्राफ अपने पैराग्राफ गए डायलॉग बॉक्स में फ्रॉम फ्रॉन्ट डायलॉग बॉक्स ठीक है सी ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन डायलॉग बॉक्स डी ऑप्शन नन ऑफ द अब तो क्या होगा भाई आपका यहाँ पे आप क्या करोगे भाई बी ऑप्शन यानी कि फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई सिक्सटी सेवन क्वेश्चन टू डिस्प्ले मोर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन इन प्रिंट ले आउट व्यू द डैश कैन बी हिडन आप क्या हिडन करोगे व्हाइट स्पेस एट द टॉप ऑफ द्हाइट स्पेस एट द बॉटम ऑफ द पेजेस ग्रे स्पेस बिटवीन पेजेस या ऑल ऑफ द अब तो यहां पर जो आपका आंसर होगा भाई क्या होगा मतलब यहाँ पे पूछा है स्क्रीन इन ले आउट व्यू तो क्या करोगे आप मतलब सारे ही ऑप्शन कर, कर सकते हो तो आपका आंसर होगा भाई डी ऑप्शन ठीक है इसी के साथ 68 क्वेश्चन देखो 68 क्वेश्चन में क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज ओरिएंटेड कौन सा जो है आपका पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप पोर्ट्रेट गटर ओनली ए एंड बी ठीक है तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड ही होता है आपने देखा है ना लैंडस्केप इस तरीके से हो जाएगा पोर्ट्रेट जो है वो इस तरीके से हो जाता है गटर मार्जिन एक अलग होता है जिसमें आप जब बाइंडिंग वगैरह हो जब आप गटर मार्जिन रखते ठीक है है तो ये अलग चीज आपका जो पेज ओरिएंटेशन होगा वो दो ही में होगा तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है सिक्सटी नाइन क्वेश्चन देखो विच इंडियन मार्कर कंट्रोल ऑल द लाइन एस एक्ट फर्स्ट लाइन ठीक है तो फर्स्ट लाइन इंडियन मार्कर लेफ्ट इंडियन मार्कर हैंगिंग इंडियन मार्कर या राइट इंडियन मार्कर तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा भाई हैंगिंग इंडेंट मार्कर तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसी के साथ क्वेश्चन देखो ऑफ द द टिपिकली एंड ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर सिटाइजेशन ऑफ सोर्स तो क्या होगा एंड नोट्स फुट नोट्स हेडर या फुटर तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन दैट इज एंड नोट्स ठीक है सेवेंटी वन क्वेश्चन देखो एम एस ऑफिस प्रोवाइड हेल्प इन मेनी वेज एम एस ऑफिस क्या कर रहा है प्रोवाइड कर रहा है आपको मतलब बहुत सारे उसमें ऑफ 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 दिस 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 इज 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 वन देम क्या क्या ऑफिस असिस्टेंट हेल्प या ऑल द अबव तो यहाँ पर जो है सेवेंटी वन का क्या आंसर होगा डी होगा क्योंकि सभी तरीके से हेल्प मैन्यू ऑफिस असिस्टेंट सब कुछ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी ठीक है इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जी टू क्वेश्चन देखो टू एडवांस राइट वर्ड फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट इन अ टेबल प्रेस द डैश की आप किसका यूज करोगे टैब का बैक स्पेस का होम का या एंटर का तो हम यूज करेंगे टैब की ठीक है सेवेंटी थ्री क्वेश्चन देखो विच की डिलीट द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर ठीक है राइट ऑफ द कर्सर तो क्या ए ऑप्शन होगा एंड बी ऑप्शन इज बैक स्पेस सी ऑप्शन इज होम और डी ऑप्शन इज डिलीट आई होप आपने अपना आंसर दे, देख लिया होगा कि भाई आपका आंसर आप क्या देने वाले हो तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बैक स्पेस ठीक है 74 क्वेश्चन देखो विच की डिलीट द करेक्टर ऑफ द पहले वाले में लेफ्ट था सॉरी पहले वाले में लेफ्ट uh, था कर्सर ठीक है अब जो है वो आपका राइट right है ठीक है राइट है तो क्या होगा क्या करोगे Uh, एक सेकेंड यहाँ पे लेफ्ट था आपका और अब आप पूछा है राइट ऑफ द कर्सर ठीक है आपको डिलीट करना है राइट right में तो आप एंड करोगे बैक स्पेस करोगे होम करोगे या डिलीट करोगे तो हम क्या करेंगे डिलीट ठीक है सेवेंटी फाइव क्वेश्चन देखो वेयर इज द क्विक टूल बार एंड वेन शुड यू यूज इट ठीक है तो कैसे यूज करोगे भाई अपर लेफ्ट कॉर्नर एंड यूज इट

तो क्या यूज करोगे जावा का पल का एचटीएमएल का यूनिक्स का तो हम यूज करेंगे किसका भाई एचटीएमएल का किसका यूज करेंगे एचटीएमएल ठीक है सेवेंटी 77 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट वर्ड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हेडिंग इन अ टेबल ऑफ कंटेंट एज बाय डिफॉल्ट क्या होगा बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस हाइपरलिंक या वर्ड फील्ड तो क्या होगा भाई आपका वर्ड फील्ड ठीक है 78 क्वेश्चन देखो सॉरी सेवेंटी एट से पहले सेवेंटी सेवन देखो भाई इसका वर्ड फिल नहीं होगा इसने बोला है हैडिंग uh, टेबल मतलब ऑटोमेटिकली फॉर्मेट इच हैडिंग इन अ टेबल ऑफ कंटेंट एज ठीक है तो ऑटोमेटिकली हम किससे करवाते हैं तो क्या करवाएंगे भाई हाइपरलिंक करेंगे क्या करेंगे हाइपरलिंक ठीक है तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना हाँ जी नेक्स्ट देखो फूड नोट एंड नोट एंड इंडेक्सेस आर इंसर्टेड एज कहाँ पर करवाएंगे भाई जो फुड नोट हुआ एंड नोट हुआ इंडेक्सेज हुआ इनको कहाँ पे करवाएंगे वर्ड फील्ड में तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा वर्ड फील्ड ठीक है देखो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट कौन सा जो है वो स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का पार्ट नहीं है तो जो आपका फाइल मैनेजर है वो आपका स्टैंडर्ड ऑफिस का पार्ट नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ठीक है लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा टोटल फिफ्टी क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है आपको फिफ्टी में से बताना है कितने मार्क्स आए हैं कंट्रोल प्लस एल जो है वो आप इसलिए यूज करते हो लेफ्ट अलाइन के लिए लेफ्ट इंडियन के लिए इंक्रीज लेफ्ट मार्जिन के लिए या डिक्रीज लेफ्ट मार्जिन के लिए तो कंट्रोल प्लस एल का क्यों यूज किया जाता है लेफ्ट अलाइन के लिए तो इसी के साथ आपके फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं खत्म आई होप आपको पता चल गया होगा फिफ्टी में से कितने मार्क्स है सभी बच्चे कमेंट करके बताएं किसके जो है फिफ्टी में से कितने मार्क्स आए हैं और इसी के साथ आपका डे उन्तीस जो है वो खत्म हो गया है अगर किसी के कोई डाउट है जैसा कि मैंने कहा कि आप इस वीडियो के नीचे जो है वो डाल सकते हो ताकि नेक्स्ट डे थर्टी वाले दिन हम हाँ, आपके डाउट जो है वो डिस्कस कर सकें ठीक है ठीके? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लगे तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो शेयर कर, कर दो सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू